Welcome all the students. In our previous video, we started our third book, that is financial statement analysis, and we learned about the financial statement analysis and tools of financial statement analysis. तो हमने वहां सीखा था कि financial statement analysis क्या होते हैं और उनके कौन कौन से tools हैं, क्या क्या उनके types हैं. तो हमने financial statement analysis का meaning क्या समझा था. It is a analysis of relationship between the various items that are presented in your financial statement so that we can compare them and then we can draw a conclusion on the basis of these information. Clear hai, ye hamara financial statement analysis tha. और हमने वहां पर पढ़े थे कि कई तरीके से आप financial statement analysis कर सकते हो. आप vertical कर सकते हो, आप horizontal कर सकते हो, आप interfirm कर सकते हो, आप intrafirm कर सकते हो. ओके okay? और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टूल्स हैं. तो वहां पर जो टूल्स हैं उनमें से हमने मैंने आपको बताया था कि दे आर फोर टूल्स विच आर इन योर सिलेबस. फर्स्ट इज कंपेटिव स्टेटमेंट है, सेकंड आपका कॉमन सेंस स्टेटमेंट, थर्ड आपके अकाउंटिंग रेशियो एंड फोर्थ इज कैश फ्लो. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपेटिव स्टेटमेंट. कंपेटिव स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, उसमें हमने वी पुट द जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स हैं विच आर गिवन इन योर बैलेंस शीट और इन योर इनकम स्टेटमेंट विच इज नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. तो उसमें जो भी गिवन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वी पुट देम साइड बाय साइड. लाइक पहले मैंने 2017 का रख दिया, फिर 18 का रख दिया, फिर 19 का रख दिया, जितने भी ईयर से आप कंपेरिजन करना चाहते हो. तो हमने क्या किया, उनको वी पुट देम साइड बाय साइड ताकि हम उनके बेसिस पे कंपेयर कर सकें और हम रिजल्ट निकाल सकें कि एक्चुअली में जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है. तो हमने लास्ट वीडियो में दो इयर्स के फिगर्स लिए थे, तो वहां पे हमने बैलेंस शीट बनाना भी सीखा था और हमने हमारा स्टेटमेंट ऑफ पेल बनाना भी सीखा था. बैलेंस शीट में हमने देखा था कि लाइक मैंने 2019 लिया फिर 2020 लिया, तो मैं 2020 का कंपेरिजन 2019 से करूंगी और देखूंगी कि इंक्रीज है या डिक्रीज हुआ. क्योंकि जहां पर कंपेरिजन होगा वहां पर यह समझ में आएगा कि पहले के कंपेरिजन में दिस ईयर मेरा पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है. तो इस बेसिस पे हमने इंक्रीज और डिक्रीज के एब्सोल्यूट चेंजेस लिए थे और फिर हमने उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया था. कैसे किया था वो परसेंटेज कैलकुलेट, कि आपने जो भी इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट आपका आया है उसमें आपने अपनी प्रीवियस ईयर अमाउंट का डिवाइड लगाया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया. तो इस तरह से हमने अपना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया था. फिर हमने अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया था जहां पर हमने पहले तो दोनों ईयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर हमने उसकी हर फिगर्स का कंपेरिजन किया आपस में और इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के उनके उन चेंजेस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. तो ये तो था कंपेरेटिव कंपेरिजन जहां पर हुआ. अब बात हो रही है यहां पर कॉमन साइज स्टेटमेंट की. कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, तो देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ये कहता है कि वी नीड अ कॉमन बेस टू कैलकुलेट द परसेंटेज. हमें एक कॉमन बेस चाहिए. हमने कंपेरेटिव में हर बार एक उसकी प्रीवियस ईयर के अमाउंट का, लाइक शेयर कैपिटल था तो प्रीवियस शेयर कैपिटल का डिवाइड लगाया, रिजर्व से तो प्रीवियस रिजर्व का डिवाइड लगाया, तो एक बार हर बार एक अलग अमाउंट का डिवाइड लग रहा था. लेकिन यहां पर वो क्वेश्चन चाहता है कि आप एक ऐसी अमाउंट को कॉमन बेस बनाइए जिसके बेसिस पे हम सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या हो गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये आपका वर्टिकल एनालिसिस है. क्लियर है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम अपने जो जितने भी आइटम्स विच आर प्रेजेंटेड इन योर बैलेंस शीट विच आर प्रेजेंटेड इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उनको हम वी कन्वर्ट देम परसेंटेज टू अ कॉमन बेस. क्लियर है. हम उनको एक बेस लेकर और उसके बेसिस पर हम लोग उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. अब ये जो कॉमन बेस है ना, ये क्या होना चाहिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए मुझे वो कॉमन बेस क्या लेना है. तो देखिए आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको जो कॉमन बेस लेना है वो लेना होगा या आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट, या तो आप टोटल ऑफ एसेट्स ले लीजिए या टोटल ऑफ लाइबिलिटी ले लीजिए, दोनों एक ही बात है क्योंकि हम जानते हैं कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी. ओके, तो जो आपका जो टोटल है बैलेंस शीट का वो टोटल आपके लिए कॉमन बेस का वर्क करेगा. जब बात करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो कॉमन बेस आपको लेना है वो होगी आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि आपकी नेट सेल्स. ध्यान रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल को ही आपको अपना कॉमन बेस मानना है. तो नेट सेल के बेसिस पे आपको सारे फिगर्स को
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बैलेंस शीट में आपको टोटल के बेसिस पे सारे फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो बनता है। ओके, मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ऑन पेज नंबर 3.25। मैं पेज नंबर 3.25 पे इलस्ट्रेशन नंबर 18 ले रही हूँ और इसे मुझे गिवन है बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड, जहां पर मुझे 2020 के फिगर्स गिवन है और 2019 के फिगर्स भी गिवन है। क्लियर है? अब 2019 आपको पहले करंट ईयर आपको गिवन है, देन आपको प्रीवियस ईयर गिवन है, लेकिन मैंने क्या सिखा आपको कि जब हम कंपेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तब भी और जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, पहले आपको प्रीवियस ईयर को रखना है, देन आपको करंट ईयर को रखना है। तो चलिए पहले तो हम इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में लाइक मुझे बनाना है 31 मार्च 2020, ओके, और 19 के लिए। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 2020, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। अब इसके बाद में बिल्कुल कंपेरेटिव की तरह ही इसका फॉर्मेट बनाना है आपको। पहले आएंगे आपके पार्टिकुलर्स, फिर आएगा आपका नोट नंबर, ठीक है, उसके बाद में आएंगे आपके दोनों ईयर्स के फिगर जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो मैं यहां पर लेती हूं 2019 यानी आपका प्रीवियस ईयर, देन आई विल टेक 2020, ओके। और अब आपको दिखाना है परसेंटेज, परसेंटेज। अब परसेंटेज के लिए आपको बेसिस मानना है, तो मैंने अभी बताया हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो मेरा बेसिस रहेगा वो रहेगा मेरा टोटल। तो मैं ले लेती हूं परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ओके, और आपको यहां पर दोनों ईयर का निकालना है, ओके, इसको एब्सोल्यूट अमाउंट 2019 2020। तो यहां पर हम परसेंटेज निकाल देंगे 2019 एंड 2020, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। करंट ईयर में भी हमने यही किया था, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, उसके बाद में यहां पर वहां पे इंक्रीज और डिक्रीज किया था, फिर परसेंटेज कैलकुलेट किया था। यहां पर आपको सीधे ही क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि यहां पर हम 2019 का अलग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, 2020 का अलग परसेंटेज करेंगे। 2019 में जितने भी फिगर्स मुझे गिवन होंगे, वेदर दे आर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, इन सबको हम क्या करेंगे, हम टोटल के बेसिस पे किस पे कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में। सेम यही चीज 2020 भी फॉलो करेगा, वो भी अपने ईच और एवरी फिगर को अकॉर्डिंग टू द जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो टोटल ऑफ बैलेंस शीट होगा 2019 और 2020 वो वैरी करेगा। 2019 में जितना टोटल आया था जरूरी 2020 में भी सेम आएगा। क्लियर है? तो आपको यहां ध्यान रखना है हर ईयर का अपना अपना टोटल है और हर ईयर को अपने अपने टोटल के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 19 को 20 के और 20 को 19 के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, दोनों सेपरेटली ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद में जो परसेंटेज आएगा उस परसेंटेज के बेसिस पर हम कंपेरिजन करके और कॉन्क्लूजन ड्रॉ करेंगे कि हमारा जो परसेंटेज आया है कि लास्ट ईयर शेयर कैपिटल कितने परसेंट शो हो रही थी और दिस ईयर कितने परसेंट शो हो रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए पहला हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में, ये मेरी फर्स्ट, मेरी जो बैलेंस शीट है वो डिवाइडेड होती है टू पार्ट्स में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट होता है मेरा एसेट्स, ओके। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट हम लेते हैं,
shareholders funds. Shareholder funds is furtherly divided into share capital and reserves and surplus. Share capital and reserves and surplus. तो मेरे पास क्या है, मेरे पास दोनों ही है. ओके, तो मैं ले लेती हूँ शेयर कैपिटल और सेकेंड आई टू टेक रिजर्व एंड सरप्लस. ओके ओके, इसके बाद में आते हैं हमारा सेकेंड. सेकेंड क्या होता है आपका, नॉन करंट लायबिलिटी. नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें हम लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को. मेरे पास सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, तो मैं सेकेंड लेती हूँ. नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके, तो ये मेरा सेकेंड टर्म कंप्लीट. थर्ड आता है आपका करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में आते हैं आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपके ट्रेड पेबल्स जिसमें हम क्रेडिटर्स प्लस बीपी को लेते हैं. आपसे पूछा जाए ट्रेड पेबल्स क्या है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बीपी. ओके, उसके अलावा आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं आपके पास में, और एक होता है आपका अदर करंट लायबिलिटीज. तो फिलहाल मेरे पास जो है वो है ओनली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है मेरे पास में. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है. ऐसा करते हैं मेरा ये मेरा लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट होता है. तो पहले मैं क्या अमाउंट पुट कर देती हूँ. अमाउंट पुट करते हो बहुत ध्यान रखना, आपने 19 पहले लिया है 20 बाद में, जबकि क्वेश्चन में रिवर्स है, 20 पहले और 19 बाद में है. तो पहले हम जो 19 की फिगर लिख लेते हैं, तो ये है मेरा शेयर कैपिटल 60 लाख, देन मुझे गिवन है मेरे रिजर्व्स 8 लाख, फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 20 लाख का, और मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 12 लाख का, ठीक है. इधर हम रखते हैं 80 लाख, 12 लाख, 24 लाख एंड 4 लाख. ओके, तो ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट. टोटल आपका आ रहा है 1 करोड़, ये आपका प्रीवियस ईयर का आ रहा है, और 1 करोड़ 20 लाख ये आपका करंट ईयर में आ रहा है. ओके, तो ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट. अब हम चलते हैं अपनी एसेट्स की तरफ. तो मेरा बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट जो है वो है एसेट्स. एसेट्स जो है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक होती है आपकी नॉन करंट एसेट्स और सेकेंड होता है आपका करंट एसेट्स. तो पहले मैं ले लेती हूँ अपनी नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, अब जो नॉन करंट एसेट्स होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और थर्ड होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस. तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स है. अब फिक्स्ड एसेट्स इज फर्दरली डिवाइडेड इंटू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. क्वेश्चन ने मुझे दोनों प्रोवाइड किए हैं, तो चलिए हम लिखते हैं हमारा पहला फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स में है टेंजिबल एसेट्स, और सेकंड है इनटेंजिबल एसेट्स. ओके, फिर सेकंड आता है हमारा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हम किस किस को लेते हैं? करंट एसेट्स में हम लेते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें हम किस किस को लेते हैं डेटर प्लस बीआर, इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ओके, अदर करंट एसेट्स, एंड आपका जो लास्ट होता है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ओके, तो फिलहाल मुझे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. और ये हो जाता है मेरा एसेट साइड भी कंप्लीट टोटल. चलेंगे
अमाउंट से देते हैं. ओके इन्वेंट्री भी गिवन है. स्पेस कम रह गया है, स्पेस बनाना पड़ेगा. स्टार्ट अगेन. एसेट्स, एसेट्स में है फिक्स्ड एसेट्स. मैं इसका फर्स्ट कॉलम यही ले लेती हूँ. टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. ओके उसके बाद मेरी आती है करंट एसेट्स. ये नॉन करंट एसेट्स था. करंट एसेट्स में मेरे पास में है इन्वेंट्री एंड कैश इक्विवेलेंस. ओके अब 60 लाख के टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं आपके पास और 12 लाख की इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं. 20 लाख आपके पास इन्वेंट्री है और 8 लाख आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है. ओके तो ये आपका 1 करोड़ टोटल आ गया है. इसी तरह से हम करंट ईयर में रखते हैं तो 80 लाख टेंजिबल फिक्स असेट्स हैं, 4 लाख इनटेंजिबल फिक्स असेट्स हैं, 12 लाख का इन्वेंट्री है, 24 लाख का और 12 लाख का आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ओके तो इसका टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 1 करोड़ 20. चलो अब हम ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे. ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स शो हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इवन योर टोटल एंड योर फिक्स टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, इन्वेंट्री, कैश एंड कैपिटल, सब में अपने टोटल कितना है आपका 1 करोड़. 1 करोड़ का डिवाइड लगाना है और परसेंटेज निकाल देना है. तो हमें साफ दिख रहा है 1 करोड़ का डिवाइड लगाएंगे 60% आएगा, ये 8 आएगा, ये 20 आ रहा है, ये 12 आ रहा है. अब जब 1 लाख करोड़ में 1 करोड़ का डिवाइड लगाएंगे तो 100 आएगा और अगर आप टोटल करेंगे तो भी आपका टोटल 100 ही आएगा. ये अपने आप आपका टोटल 100 आ जाएगा. सेम वे में हम इधर कर देते हैं 60, 12, 20 and 8. तो ये आपके आ गया 100. तो ये लीजिए आपकी फर्स्ट ईयर का. तो हमने जल्दी से परसेंटेज निकाल लिया. अब आती है हमारी करंट ईयर की बारी. तो करंट ईयर में हमें हमारा टोटल जो है वो है 1 करोड़ 20 लाख. अब 1 करोड़ 20 लाख का डिवाइड लगाएंगे आप अपने 80 लाख में, 12 लाख में, 24 में 4 में, इसी तरह से आपकी ऐसे साइज में लगाएंगे. तो लगाते हैं यहाँ पे जब लगाओगे तो ये आएगा 66.67, ये आएगा आपका 10, ये आएगा आपका 12 और ये आएगा आपका 3.33. टोटल लगाएंगे आप 100 आएगा. 1 करोड़ 20 लाख में 1 करोड़ 20 लाख का डिवाइड लगाएंगे तो भी आपका 100 आएगा. ओके फिर आते हैं हम हमारी नेक्स्ट साइड पे. तो यहां पर है मेरे पास में 24, ये 20 आएगा. 80 में फिर वही डिवाइड लगाएंगे, ये 66.67 आएगा. 4 में लगाएंगे 3.33 आएगा. 24 में लगाएंगे 20 आएगा और ये 10 आएगा. तो टोटल हो गया हमारा 100. क्लियर है? ये लीजिए ये आपके परसेंटेज में कैलकुलेट हो गए हैं और आप इस बेसिस पे कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं. लाइक शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 60% थी, अब 66.67% हो गई है. आपकी जो रिजर्व है वो 8% से इंक्रीज होकर 10% हो गए हैं. क्लियर है? तो यही है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट, जहां पर हमने क्या किया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट हर फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. जितने भी ईयर आप लेंगे उस हर ईयर में आपको यही करना है, आपको टोटल के बेसिस पे उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है. क्लियर है? तो ये तो था हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट. अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यहां पर भी आपको एक कॉमन बेस चूज करना है.
और यहाँ जो कॉमन बेस आपके सामने होगा वो होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. क्या होगा वो आपका, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कौन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा है मैंने, टोटल इनकम नहीं कहा है. ध्यान दे देना आप, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आप नेट सेल कहते हैं जिसे, आपको वही लेना है. तो हम प्रिपेयर करते हैं हमारा, इसके लिए मैं ले लेती हूँ इलस्ट्रेशन नंबर. ओके यस, इसमें लेकिन अदर इनकम नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 14, आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 14 विच इज ऑन पेज नंबर 3.21. तो यहाँ पर मुझे 20 19 गिवन है, तो मैं प्रिपेयर करती हूँ. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 2019 and 2020. क्लियर है? तो ये मेरा हो गया है. ओके, इसका भी फॉर्मेट वही है. पहले हमें लेने हैं अपने पार्टिकुलर्स. देन नोट नंबर. Then absolute amount. जो है पहले 2019, then 2020. ओके, अब इन्हें क्या करना है आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है परसेंटेज का. अब जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे इसमें आपको बेस किसको मानना होगा, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को. तो हमें बेस लिखना है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जिसे आप नेट सेल कहते हैं. तो 2019 के लिए एंड 2020 के लिए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेकंड इन्फॉर्मेशन है अदर इनकम की. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी मेरा रेवेन्यू का सोर्स है, अदर इनकम भी रेवेन्यू का सोर्स है, तो दोनों को हम टोटल कर लेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी हमारे पास. फिर मुझे गिवन है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये आपका एक्सपेंसिज है. चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये आपका एक्सपेंसिज है. अदर एक्सपेंसिज, तो आपके तीन एक्सपेंसिज आपको गिवन है. हम क्या करेंगे, हम तीनों एक्सपेंसिज को टोटल करेंगे और फिर कंपेरिजन करेंगे टोटल इनकम का टोटल एक्सपेंसिज से टू कैलकुलेट अवर प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है. ये आपको क्वेश्चन करके नहीं देगा, ये आपको करना है, आपको दोनों ईयर्स के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है. फिर आपको टैक्स रेट गिवन है, तो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स अब आपके पास प्रॉफिट कितने का रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप कैलकुलेट करेंगे. टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे काटा जाता है, ठीक है, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया उसी पे टैक्स चार्ज करना है आपको. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. मेरी फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है. इसमें मुझे सेकंड ऐड करना है अदर इनकम. तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगी मेरी टोटल इनकम. तो ये मैंने इनकम का पार्ट तो कंप्लीट कर दिया है, बस आपको ये मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम. चलिए कितनी कितनी रेवेन्यू है, पहले 19 को ले आते हैं. 19 में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000, देन आपकी अदर इनकम है 75,000. ओके, और यहां पर है मेरे पास 10 lakh एंड 1 lakh. ओके, आप टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट प्लस सेकंड करके पहले हम रेवेन्यू का वर्क तो कंप्लीट कर देते हैं. यहां पर जो आपकी रेवेन्यू आ रही है वो आ रही है 8,25,000 और यहां हो चुकी है 11 lakh. क्लियर है? अब हम लेंगे हमारा एक्सपेंसेस. तो ये मेरा रेवेन्यू तो कंप्लीट
अब फोर्थ है आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक, सेकंड है चेंज इन इन्वेंट्री, और थर्ड है अदर एक्सपेंसेस। ओके, सबसे पहले हम लेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो हमारे पास में है 6 लाख इन प्रीवियस ईयर एंड 7,50,000 इन करंट ईयर, देन 10,000 आपकी इन्वेंट्री है, चेंज इन इन्वेंट्री, और यहां पर ये नेगेटिव है 50,000। फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हैं 7,500 और ये है मेरे पास 10,000। ओके, टैक्स रेट जो है वो 50-50% इन ईच ईयर है। तो पहले ही टैक्स रेट हम निकाल, टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें हमारे टोटल एक्सपेंसेस पता कर लेने हैं। तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए हैं, 6,17,500 आपके यहाँ हो गए हैं, और ये हो गया आपका 7,10,000। देखिए आप जो टोटल करेंगे तो 50 जो है वो ब्रैकेट में शो है, इसका मतलब नेगेटिव फिगर है, तो 7,50,000 में 50 ऐड नहीं होगा, लेस हो जाएगा 7,10,000। ओके, इसके बाद में अब मुझे इस इनकम के साथ एक्सपेंसेस का कंपेरिजन करना है और अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना है। तो मेरा इनकम जो रेवेन्यू साइड है वो शो कर रहा है 8,25,000 और मेरे एक्सपेंसेस है 6,17,500। तो हम निकाल लेंगे अपना प्रॉफिट। तो मेरा फिफ्थ है प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स, कैसे निकाल रहे हैं हम, थर्ड में से फोर्थ को लेस कर रहे हैं। तो 8,25,000 में से 6,17,500 हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ रहा है 2,07,500। 11 लाख में से 7,10,000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,90,000। ओके, तो ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब हमें टैक्स चार्ज करना है, तो सिक्स्थ टैक्स, टैक्स जो करना है वो आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो आपको 50% टैक्स चार्ज करना है, तो 2,07,500 का 50% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,03,750, और इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,95,000। तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना रह गया, हाफ आपने काट लिया तो हाफ ही बच गया आपके पास, 1,03,750, 1,95,000, ये लीजिए। ठीक है, ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर कर लिया है, वो है प्रॉफिट कैलकुलेशन। क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट कैलकुलेट करवाता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके देता नहीं है। बैलेंस शीट में तो हमने क्या किया था, सारी फिगर्स गिवन थी, उनको इमीडिएटली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पीएनएल है वो इनकम्प्लीट है, उसने सिर्फ आपको इनकम्स और आपके एक्सपेंसेस शो किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एक्सपेंसेस यू आर टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। ओके, तो अगर टैक्स गिवन है तब तो आपको वो टैक्स काट के प्रॉफिट शो करना है, नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही आपका कम्प्लीट हो जाता है। अब आपका जो अटर्न है आप इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा, आपको बेसिस मानना है किसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। एंड व्हाट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 2019, इट इज 7,50,000 एंड इन 2020 इट इज 10 लाख। तो आपको इसको बेस मानना है, कभी इसको टोटल इनकम को बेस मत मान लेना। ठीक है, आप करेक्ट कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं इसका आपको उसी तरह पता चल जाएगा जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप इसी को बेस मानेंगे तो 7,50,000 में डिवाइड भी किसका लगा, 7,50,000 का, तो आपका परसेंटेज कितना आएगा, 100 आएगा। अगर आप इसको मानेंगे तो ये 100 नहीं आएगा, इससे आपको समझ में जाएगा कि मेरा पहला जो परसेंटेज था रेवेन्यू वो 100 होना चाहिए, 100 क्यों नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पर एहसास हो जाएगा आपकी गलती का। हाल फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपको उसी को अपना बेस मानना है, और जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डिवाइड लगाएंगे तो वो 100 आएगा। तो ये करंट ईयर में भी मैं लिख देती हूँ 100। अब 75 में डिवाइड लगाएंगे 7,50,000 का, 8,25,000 में डिवाइड लगाएंगे 7,50,000 का, सारी फिगर्स में किसका डिवाइड लगाना है आपको, 7,50,000 का, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, परसेंटेज आते जाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 10। हो गया आपका, तो यह हो गया आपका कितना, 110।
ओके फिर आप इसमें डिवाइड लगाएंगे 6 लाख में 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 18 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यह जाएगा आपका 1.33 7,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यह जाएगा आपका ओनली 1 ओके अब 6,17,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यह जाएगा आपका 82.33 तो देखिए 80 प्लस 81 और 82 ये अपने आप आपका मैच हो जाता है क्लियर है अब 2,07,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यह आएगा आपका 27.67 फिर 1,03,750 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आएगा आपके पास 13.83 तो ये भी आपके पास आने वाला है 13.83 ओके तो देखिए हमने क्या किया हमने हर फिगर के अंदर 7,50,000 का डिवाइड लगाया तो आपका रेवेन्यू का परसेंटेज 100 आया इनकम का 10 आया आप इनको प्लस भी करके लिख सकते हैं डायरेक्ट 110 आपको यहां पर डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके फिर आपने यहां निकाला 1.33 आप चलो टोटल कर लेके लिख सकते हैं कि 82.33 आप इस 110 का कंपेरिजन कीजिए 82.33 से जो भी डिफरेंस का अमाउंट है वो ही आपका क्या आने वाला है परसेंटेज आने वाला है तो आप चाहे इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए चाहे आप यूं ही कर लीजिए आपको दोनों तरफ से सेम आंसर मिलेगा 27.67 अब इसका 50% कर दीजिए जस्ट हाफ 13.83 आपका जो रेस्ट रहेगा 13.83 वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सेम वे में हम इसका करते हैं चलिए इसका पहले मैं ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेती हूँ तो ये आएगा आपका 10 मैं टोटल सीधे लिख देती हूँ 110 मैं इसका डिवाइड नहीं लगा रही हूँ ठीक है यहाँ पर 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10 तो ये हो गया आपका 75 ये हो गया आपका 5 मगर किसमें नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव ही लेना है 10 तो ये हो गया आपका 1 ओके तो 75 में से 5 चला गया 70 ये 71 आप देखिए ये 71 से मैच हो रहा है ओके अब मैं डायरेक्ट करती हूँ 110 में से 71 जो है मेरा हो गया है एक्सपेंसेस तो मेरे पास जो बचा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना रह गया 39 ठीक है अब इस 39 पे मैं 50% टैक्स लगा रही हूँ तो उसको जस्ट हाफ कर देते हैं तो ये आता है 19.5 तो मेरा जो प्रॉफिट बचा वो भी कितना है 19.5 अब देखिए 39 में आप डिवाइड लगाओगे 10 लाख का 39 आएगा 1,95,000 में लगाओगे तो भी यही आएगा इसमें लगाओगे तो भी यही आएगा क्लियर है तो ये लीजिए आपका जो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वो भी तैयार है तो आपने क्या किया यहाँ पर इतना स्टेप तो हमने कंपेटिव स्टेटमेंट में भी किया था कि हमने कंपेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या किया था हमने यहाँ पर दोनों इयर्स के प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे वो हम कंपेटिव में भी करेंगे और वो हम कॉमन साइज में भी करेंगे बस फर्क इतना था वहां पर मैंने करंट ईयर का कंपेरिजन प्रीवियस ईयर से करके इंक्रीज और डिक्रीज निकाला था और फिर उस इंक्रीज और डिक्रीज में प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स का डिवाइड लगाकर उनको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया था यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है आपको प्रीवियस ईयर के सेपरेटली परसेंटेज कैलकुलेट करने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट टोटल या फिर प्रीवियस ईयर्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस का टोटल लेंगे पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप बेस मानेंगे और इसी तरह से मैंने करंट ईयर में भी परसेंटेज कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन इन योर पीएनएल अकाउंट क्लियर है अब आप कर सकते हैं कि आपकी जो आपका जो अपना कॉमन साइज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्लियर है तो ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर बैलेंस शीट एंड फॉर पीएनएल ओके अगेन आई एम टेकिंग अनदर इलस्ट्रेशन और मैं इसमें इस बार मैं जो ले रही हूँ उसमें थोड़े से एक्सपेंसेस मुझे क्लियर गिवन नहीं है वो मुझे परसेंटेज के बेसिस पर गिवन है ठीक है कि मुझे यहाँ पर परसेंटेज के बेसिस पर एक्सपेंसेस निकालने हैं लाइक उसने मुझे बता दिया कि जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो इतना परसेंट ऑफ रेवेन्यू है या इतना परसेंट ऑफ अदर इनकम है या इतना परसेंट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक है क्लियर है तो इस तरह का एक इलस्ट्रेशन हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं अब जो मैं इलस्ट्रेशन ले रही हूँ उसमें मेरे पास में रेवेन्यूज हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है अदर इनकम्स हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो मुझे अमाउंट्स में ना गिवन होकर एक परसेंटेज पे गिवन है वो परसेंटेज जो मुझे किसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है ओके
तो सबसे पहले जो मुझे गिवन है वो है मेरे पास में 2 ईयर्स है मेरे पास में, एक है 2017 और एक है 2018. तो दिस टाइम ईयर्स है 17 एंड 18. और पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इस क्वेश्चन में मैं आपको कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज दोनों एक साथ बना के दिखाती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कंपेरेटिव में क्या करना है और कॉमन साइज में क्या करना है. ऐसा करते हैं, हम इसको दोनों तरीके से करते हैं. यहां मैं ले लेती हूँ कंपेरेटिव. अब कंपेरेटिव में पहला कॉलम किसका होता है, इंक्रीज और डिक्रीज का, और देन हम उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, परसेंटेज में. ठीक है, तो ये मेरा कंपेरेटिव ले लिया. और यहां ले लेती हूं मैं अपना कॉमन 2017 एंड 2018. ओके, आपको दोनों में समझ में आ जाएगा ताकि आप एग्जाम में उल्टा पुल्टा ना करें. कंपेरेटिव में कॉमन और कॉमन में कंपेरेटिव, ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का व्हेन एवर दे अटेंड द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का. कंपेरेटिव को कॉमन बना देते हैं और कॉमन को कंपेरेटिव बना देते हैं. अब आपको यहाँ पे मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कंपेरेटिव में क्या किया जाता है और कॉमन में क्या किया जाता है. ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद में मेरे पास है अदर इनकम. तो सेकेंड आ गया आपके पास अदर इनकम. ओके, अब क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड कर दी इन्फॉर्मेशन, आपको उसके बेसिस पे पहले प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा. तो हम ले लेते हैं अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो गिवन है वो मुझे करंट ईयर में गिवन है 10 लाख, और प्रीवियस ईयर में ये था 20 लाख का. तो 20 लाख 10 लाख, उसके बाद जो मेरे पास अदर इनकम आ रही है वो आ रही है 2 लाख एंड 50,000. ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास मेरी टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकेंड करके. ₹22,10,50,000. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में एक्सपेंसेस को लेकर. तो ये मेरा थर्ड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में जो आ रहे हैं मेरे पास वो है कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम, और सेकंड जो है वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. ओके, ये थर्ड है, ये अब मेरे पास जो फिफ्थ आएगा वो आएगा प्रॉफिट. पहले हम टोटल एक्सपेंसेस लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम जो गिवन है वो मुझे गिवन है इन प्रीवियस ईयर 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि जितना रेवेन्यू है उसका 60%. तो आपका 20 लाख है, 20 लाख का 60% यानी आपका कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम हो गया दिस ईयर 12 लाख, और करंट ईयर में ये है 50%, तो 50% हो गया आपके पास 5 लाख. ओके, उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है 1,40,000 एंड इन दिस ईयर 80,000. तो आप टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं हमारे, ये हो गए मेरे पास 30,40,000 और ये हो गए मेरे पास 5,80,000. चलिए एक्सपेंसेस की साइड भी कंप्लीट कर ली हमने, अब हम निकालेंगे हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे निकाला, थर्ड में से हमने माइनस किया किसको, फोर्थ को. 22 लाख आपके पास में रेवेन्यू है, 30,40,000 आपका एक्सपेंसेस हो चुका है, तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 8,60,000. इसी तरह से 10,50,000 आपका रेवेन्यू करंट ईयर में है, 5,80,000 जो है वो आपका एक्सपेंसेस हो चुका है, तो अब आपके पास जो बच रहा है वो है 4,70,000. आपका प्रॉफिट आ गया है
अब हम करेंगे इसे परसेंटेज में इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो लेस टैक्स, टैक्स जो है वो 30% 30% दोनों में ही है, तो यहां पर जब हम 30% लेंगे तो ये आता है 2,58,000, और यहां पर जो परसेंटेज लेंगे वो आता है 1,41,000। चलिए अब इसको हम लेस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपके पास रह गए हैं 6,02,000 इन दिस ईयर, और इस ईयर में है 3,29,000। ओके ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आपको अपना कम्पेटिव और कॉमन दोनों प्रिपेयर करना है। तो पहले अभी हमने कॉमन किया, तो अभी हम जस्ट पहले कॉमन की बात कर लेते हैं। कॉमन जहां पर मुझे क्या करना है, एक अमाउंट को कॉमन बेस चूज करना है, और वो अमाउंट कौन हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपके 2017 में सब में किसका डिवाइड लगाना है, 20 लाख का, 2018 में किसका लगाना है, 10 लाख का। चलिए लगाते हैं, तो 20 लाख में जब 20 लाख का डिवाइड लगाएंगे तो ये तो 100 आएगा, और यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। ओके इसके बाद में यह आ जाएगा आपका 110, 100 प्लस 10 कर लेंगे 110 आ जाएगा। देन आपका आता है 12 लाख, तो ये हो गया आपका 60, ये आपका आ गया है 7, तो आपका टोटल हो चुका है 67। आप चाहे तो 110 में से 67 को लेस करके अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकते हैं, जो आएगा आपका 43। ओके और अगर आप देखेंगे तो आपका जब डिवाइड 20 लाख का डिवाइड आप 8,60,000 में लगाएंगे तो भी आपका आता है 43। फिर आप लगाएंगे 2,53,000 में, या फिर आप टैक्स काट लीजिए इसका 30% निकाल लीजिए सीधे ही, तो आ जाएगा आपका ये आएगा 30.10। अब आप लेस कर लीजिए, तो लेस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आने वाला है आफ्टर टैक्स वो आएगा आपका 12.90। तो आप यहाँ डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपका यही आ रहा है 20,00,000 ये आपका आ रहा है, इसमें जब आप डिवाइड लगाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ये आपका 43 आ गया, टैक्स में जब हम लगाएंगे 12.9, यस 30.1। क्लियर है? सेम वे में हम करेंगे अपने 2018 का, तो यहाँ पर आपको 10 लाख का डिवाइड लगाना है, तो ये आ गया 5,105, ये आ गया आपका 50, देन ये आ गया आपका 8, तो ये हो गया आपका 58। 105 में से हम लेस करके देख लेते हैं, आ गया आपका 47। उसके बाद में आपने इस पर टैक्स लगाया है तो टैक्स आपका आ गया 14.1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 32.9। क्लियर है? तो ये रहा आपका कॉमन बेसिस। अब हम लेते हैं अपना कंपेरेटिव। अब कंपेरेटिव में हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है 20 लाख से 10। आपका पिछले साल जो रेवेन्यू था वो 20 लाख था, इसलिए 10 लाख रह गया है, तो आपका 10 लाख डिक्रीज हुआ है। अब इस 10 लाख में डिवाइड भी किसका लगना चाहिए, प्रीवियस ईयर का। 20 लाख का डिवाइड लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये जाएगा आपका कि आपका 50% रह गया, डिक्रीज है, इसलिए आप इसे किसमें शो कर देंगे, ब्रैकेट में, ताकि पता चल सके कि यहाँ डिक्रीज हुआ है। इसी तरीके से आपका करंट ईयर में जो इनकम था वो 2 लाख था, यहाँ आपका 50,000 रह गया, तो आपका यहाँ 1,50,000 से डिक्रीज हो गया है। ऐसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा आपका 7.5, मगर ये भी क्या है, डिक्रीज आएगा। ओके इसके बाद में आप करेंगे ये आएगा पर 25। देन हम करेंगे 22 लाख का कंपेरिजन 10,50,000 से, तो 22 लाख था जिससे 10,50,000 रह गया है, तो इसका मतलब आपका यहां पर जो हो गया है आपका टोटल 11,50,000 से आपका डिक्रीज हो रहा है। इसको डिवाइड लगाएंगे और इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम वे में हम यहाँ करेंगे 12 लाख और 5 लाख का कंपेरिजन, तो देखिए 7 लाख। इस तरह से आप अपना पूरा कंपेरिजन करते जाएंगे और परसेंटेज में कैलकुलेट करते जाएंगे, डिवाइडिंग बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट, जिनके बेसिस पे आपने कंपेरिजन किया है उसी अमाउंट का आपको डिवाइड भी लगाना है। तो ये था आपका कंपेरेटिव एंड देन कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर है? तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग समझ लिया है,
हमने उसके टूल्स समझ लिए हैं, टूल्स में हमने कम्पेटिटिव और कॉमन साइज समझ लिया है। नेक्स्ट जो होंगे हमारे वो जो रेस्ट रह गए हैं वो है हमारे अकाउंटिंग रेशियो एंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन अवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल डिस्कस अवर रेस्ट टू टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।